एक बार की बात है, जंगल के बीचों बीच बसे एक छोटे से भारतीय गांव में तीन सबसे अच्छे दोस्त थे, रोहित, मोहित और प्रिया। गांव अपनी रहस्यमय लेजेंड्स और अंधेरे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था जो छाया में दुबके हुए थे। तीनों साहसी थे और अक्सर गांव के रहस्यों को उजागर करने के लिए जंगल में अभियान पर जाते थे। एक अमावस्या की रात तीनों दोस्तों ने अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर जंगल का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल में और अंदर गए, उन्हें लगा कि एक अजीब सी ऊर्जा उन्हें घेर रही है। जल्द ही वे लताओं और मकड़ी के जाले से ढके एक वीरान मंदिर पर ठोकर खा गए। यह दशकों से अछूता लग रहा था। हालांकि तीनों ने मंदिर का पता लगाने का फैसला किया और अशुभ दिखने वाली संरचना में प्रवेश किया। जब वे भीतर गए तो मंदिर के द्वार उनके पीछे बंद हो गए और उन्होंने अपने आप को फंसा हुआ पाया। मंदिर में अंधेरा था और प्रकाश का एकमात्र स्रोत एक टिमटिमाती हुई मशाल थी। तीनों को फुसफुसाहट, अजीब सी आवाजें और चीखें सुनाई देने लगी। डर ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया और उन्हें पता था कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। अचानक उन्हें एक जोर की चीख सुनाई दी और प्रिया बिना किसी निशान के गायब हो गई। रोहित और मोहित भयभीत थे और व्याकुलता से उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वे अकेले नहीं हैं। वहां भूत, चुड़ैल और आत्माएं छाया में छुपी हुई थीं, उनकी हर हरकत को देख रही थीं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, रोहित और मोहित ने मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा खुलते ही वे भयावहता से भरे दूसरे कमरे में चले गए। उन्होंने अपने आप को ऐसे लोगों के भूतों से घिरा हुआ पाया जो बहुत समय पहले मर गए थे। वे तड़प तड़प कर चीख रहे थे। आत्माओं ने उन्हें ताना देना और पीड़ा देना शुरू कर दिया और दोनों दोस्त अपनी मानसिक शक्ति खोने के कगार पर थे। जब उन्होंने सोचा कि वे जीवित कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वे एक गुप्त कक्ष पर ठोकर खा गए और प्रिया वहां कमरे के बीच में खड़ी थी। लेकिन वह अकेली नहीं थी। तीनों यह देखकर चौंक गए कि प्रिया एक चुड़ैल में बदल गई थी और वह उन्हें एक अंधेरे अनुष्ठान को करने के लिए मंदिर में ले आई थी जिसमें मानव बलि की आवश्यकता थी। प्रिया ने खुलासा किया कि उसने अलौकिक शक्तियां हासिल करने के लिए आत्माओं के साथ एक समझौता किया था और सौदे को पक्का करने का एकमात्र तरीका अपने दोस्तों को बलिदान के रूप में पेश करना था। रोहित और मोहित डर और अविश्वास से लकवाग्रस्त हो गए क्योंकि प्रिया उनके पास बलि का खंजर लेकर पहुंची। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें नुकसान पहुंचा पाती, आत्माओं ने उस पर पलटवार किया और उसे अंधेरे की खाई में खींच लिया। रोहित और मोहित बमुश्किल मंदिर से बचकर भाग निकले, इस भयावहता से त्रस्त होकर कि उन्होंने अनुभव किया था। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की और इसने उन्हें जीवन भर परेशान किया। उन्होंने सीखा कि कभी कभी जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वे सबसे गहरे रहस्य छिपा सकते हैं और काले जादू में दबने के परिणाम घातक हो सकते हैं।